नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा दोस्तों आर्ट्स वाले ग्रुप के विद्यार्थियों के लिए बीएड में सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करना होता है, यानी कि दोस्तों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बीएड में कैसे रखना है दोस्तों कला संकाय के विद्यार्थियों के लिए। दोस्तों, बीएड में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है दोस्तों। अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बीएड में सही नहीं है तो दोस्तों आगे चलकर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने हो सकते हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने विज्ञान वर्ग और कॉमर्स वर्ग के विद्यार्थियों के लिए एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है दोस्तों, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर वॉच कर सकते हो। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी आगे आने वाले दिनों में प्रॉब्लम ना हो। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं, चलिए। तो दोस्तों, बीएड में दो टीचिंग पेपर रखने होते हैं, यानी कि दो मेथड पेपर रखने होते हैं दोस्तों बीएड में, और बाकी के जो सब्जेक्ट रहते हैं दोस्तों सभी के लिए कॉमन रहते हैं, चाहे वो बीए का हो या फिर बीएससी का हो या फिर बीकॉम का हो। बाकी के सभी सब्जेक्ट रहते हैं दोस्तों सभी के लिए कॉमन रहते हैं, लेकिन तीनों ग्रुप्स के लिए अपने दो टीचिंग पेपर रखने होते हैं, यानी कि दो मेथड पेपर रखने होते हैं जो कि आप स्कूल लेवल पर पढ़ाओगे। तो यहाँ फिलहाल बात करेंगे दोस्तों बीए यानी कि आर्ट्स वाले जो ग्रुप के विद्यार्थी रहते हैं उनको सब्जेक्ट सेलेक्शन कैसे करना है जो आपको आगे आने वाले दिनों में प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर ही सबसे पहले बात करते हैं पहले पेपर की, पहले टीचिंग पेपर की, मेथड पेपर की। तो आर्ट्स वाले ग्रुप के लिए चाहे ऑनर्स कोई भी पेपर हो दोस्तों, आपको एक लैंग्वेज पेपर ले लेना है पहले। पहला पेपर जो आपका रहेगा टीचिंग पेपर, एक लैंग्वेज पेपर रहेगा। लैंग्वेज में आप दोस्तों इंग्लिश रख सकते हो, ठीक है, हिंदी रख सकते हो या फिर उर्दू या फिर संस्कृत रख सकते हो, ठीक है। तो आपको इन चारों में से कोई एक रख लेना, एक पेपर टीचिंग पेपर, ठीक है। और दूसरा जो आपका मेथड पेपर रहेगा दोस्तों वो आपके ग्रेजुएशन के बेसिस से तैयार होगा, ठीक है, ग्रेजुएशन के आपके बेसिस से तैयार होगा दोस्तों। जो मेन आपका टीचिंग पेपर रहेगा, जो मेन टीचिंग पेपर रहेगा दोस्तों वो आपके ग्रेजुएशन के बेसिस पे तैयार होगा। तो कला ग्रुप के जो विद्यार्थी रहते हैं दोस्तों ऑलमोस्ट जो 90% स्टूडेंट रहते हैं वो सेकेंड पेपर यानी कि टीचिंग पेपर में रखते हैं दोस्तों सोशल स्टडीज़, सोशल स्टडीज़, ठीक है, सामाजिक अध्ययन रखते हैं सेकेंड मेथड पेपर के रूप में। लेकिन दोस्तों अगर आपका ऑनर्स हिस्ट्री है तो आप हिस्ट्री भी रख सकते हो सेकेंड पेपर में, ठीक है, ये सेकेंड टीचिंग पेपर में, या फिर भूगोल भी रख सकते हो, इतिहास भी रख सकते हो, अगर आपने साइकोलॉजी से ग्रेजुएशन किया है तो साइकोलॉजी भी रख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर आपने शिक्षा शास्त्र से किया हुआ है, ठीक है, शिक्षा शास्त्र से अगर आपने किया हुआ है ग्रेजुएशन तो आप टीचिंग पेपर अपना शिक्षा शास्त्र भी रख सकते हो, या फिर बहुत लोग होम साइंस से करते हैं, गृह विज्ञान जिसको बोला जाता है, गृह विज्ञान से भी बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन करते हैं, तो टीचिंग पेपर अपना गृह विज्ञान भी रख सकते हैं दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इकोनॉमिक्स भी रख सकते हो, ठीक है, ये सेकंड पेपर की बात कर रहे हैं जो कि आपके ग्रेजुएशन के बेसिस पे तैयार होता है। तो इस तरह से दोस्तों आपको सबसे पहले कोई एक लैंग्वेज पेपर, पहला जो टीचिंग पेपर रहेगा कोई भी एक लैंग्वेज पेपर, मैंने जैसा कि बताया आपको हिंदी इंग्लिश उर्दू कुछ भी रख लेना है लैंग्वेज पेपर, और सेकंड जो रहेगा आपका ग्रेजुएशन होगा जिसमें आपको सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी या फिर शिक्षा शास्त्र या फिर गृह विज्ञान, होम साइंस, ये सब सब्जेक्ट्स आप रख सकते हो। तो इस तरह से आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है बीएड में, ठीक है। तो इस तरह से आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कर लेना है। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट हो रहा है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की। तो बस इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही था, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में आप लोगों को बताना था क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर बीए वाले कैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन करेंगे जिससे प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई हुई थी। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।